हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं पार्ट थर्ड लेके आई हूँ आपके लिए। हमारा पार्ट थर्ड है, एक्चुअली ये यूनिट फाइव है एंड देन हमारे लिए पार्ट थर्ड है, हमारी थर्ड वीडियो है ये। इसमें हम बताएंगे आपको कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं। ब्लड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन स्टडीड इन सेक्शंस ऑफ द लेबोरेटरी इन सर्च ऑफ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जो हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, ब्लड का सैम्पल लेते हैं लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में क्या होता है, ब्लड की टेस्टिंग करते हैं, डॉक्टर्स रेफरेंस में हमारे टेस्ट लिखते हैं, फिर क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ब्लड सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं हम पेशेंट से। अब जो ब्लड कलेक्शन हमने कलेक्ट करना है उसके लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, दैट इज़ बिफोर प्रोड्यूसिंग फॉर ब्लड कलेक्शन असेंबल ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स। हमें इन सब इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, बिफोर ब्लड कलेक्शन। दिस इंक्लूड्स कंटेनर्स फॉर ब्लड कलेक्शन, सिरिंज, नीडल, टर्निकॉट, डिसइंफेक्टेंट एंड कॉटन स्वैब। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है नीडल। हम हमेशा स्टराइल शार्प नीडल यूज़ करते हैं, कभी भी हम एक सिरिंज को दोबारा यूज़ नहीं करते क्योंकि वो इन्फेक्टेड सिरिंज हो जाती है एक यूज़ करने के बाद। स्टराइल शार्प नीडल ऑफ साइज ऑफ मोर साइज 18-20 गॉज 1.2-0.9 ml फॉर एडल्ट एंड 0.5 ml गॉज फॉर चिल्ड्रन आर नीडेड। क्या होता है जब हम कलेक्शन करते हैं तो हमने देखा होगा कि जो सिरिंज होती हैं, जो निडल होती हैं उन पर गॉज मेंशन होते हैं, वो कितने गॉज की है, उनकी जो निडल है वो कितनी ज़्यादा थिक है या थिन है, ये उन पर मेंशन होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ निडल, जो हम नॉर्मल जो कलेक्शन के लिए निडल यूज़ करते हैं, दैट इज़ दिस। इसकी जो गॉज है वो ज़्यादा मोटी नहीं है, 22-24 गॉज की होती है ये निडल। ये नीडल हम ब्लड कलेक्शन में यूज़ करते हैं। एंड हमारा आता है सिरिंज। जो सिरिंज है ये डिफरेंट ml में होती है। सिरिंज ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी, दैट इज़ 2 ml, 5 ml, 10 ml एंड 20 ml आर अवेलेबल। द साइज ऑफ द सिरिंज टू बी यूज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड नीडेड। जो टेस्ट डॉक्टर ने रेफ़र किया है पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग ही हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। इट मीन्स जितने टेस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हाँ हमें कितने सैंपल की नीड है, हमारी मशीन को कितना सैंपल चाहिए, या फिर जब हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए कितना सैंपल चाहिए। दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन नीडेड द सैंपल। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें 2 ml सैंपल लेना है, 5 ml लेना है, 10 ml लेना है, 20 ml लेना है, दैट्स इट। तो सिरिंजेस हमारे डिफरेंट टाइप के हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंट टाइप के सिरिंजेस। ये हमारे 2 ml की सिरिंज है, आप देख रहे हैं इस पर मेंशन है 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 ml। इस पर हमारे मेंशन होता है 2 ml की सिरिंज है। एंड नेक्स्ट है हमारा 5 ml का सिरिंज। 5 ml की सिरिंज पे भी मार्किंग है, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml। हम 5 ml की सिरिंज से भी 2 ml, 3 ml, 4 ml की कलेक्शन कर सकते हैं, जब हमारे पास 2 ml की सिरिंज अवेलेबल ना हो तो। अब हमारा आता है 10 ml। जो हमारी 10 ml की सिरिंज है वो थोड़ी मोटी होती है दिखने में, और जो उसकी नीडल है ये 23 गॉज की होती हैं, थोड़ी मोटी होती है 2 ml की सिरिंज से। और ये नीडल है हम इसे यूज़ करते हैं इन 5 ml, इन 2 ml की सिरिंज में।
इस पर आपके गॉज भी मेंशन है, 23 गॉज की होती है ये, यही आप देख सकते हो 23 गॉज की निडल होती है ये। नेक्स्ट है हमारा टॉर्निकेट। हम टॉर्निकेट कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं? इट इज़ अ सॉफ्ट रबर ट्यूब विच इज़ अप्लाइड टू द आर्म टू स्लो ऑफ द ब्लड फ्लो एंड मेक द वीनस मोर प्रोमिनेंट। इट हेल्प्स टू सिलेक्ट द पंचर साइट फॉर ब्लड कलेक्शन। जब हम टर्निकोट अप्लाई करते हैं, हम कभी भी टर्निकोट अप्लाई करते हैं जहाँ हम वीनस से कलेक्शन कर रहे हैं उसके 3 to 4 इंचेस अबव ऊपर की साइड यूज़ करते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे ये हमारा आर्म है, हमारा यहाँ से कलेक्शन होना है तो उसके 3 to 4 इंचेस ऊपर हम टर्निकोट अप्लाई करते हैं ताकि जो इसका प्रोसीजर है, जब हम कलेक्शन कर रहे हों, अगर हम टर्निकोट यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी इंजरी या फिर हेमाटोमा वगैरह या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, सिरिंजेस यहाँ पर इंजेक्ट हो सकता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होगा, जो टर्निकोट हमारा सॉफ्ट रबर का होता है या फिर आजकल हम ये वाले टर्निकोट यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, आप देख सकते हो टर्निकोट, आपने जब भी टेस्ट करवाया होगा तो आप जो वो टर्निकोट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्निकोट्स आते हैं अभी। तो क्या होता है, ये हमारे ब्लड फ्लो को स्लो कर देता है। इट मीन्स यहाँ पर जब हम अपने फिंगर में या फिर हम यहीं अपने टर्निकोट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो बिल्कुल स्लो हो जाता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि उस टाइम पे ब्लड फ्लो रुक जाता है और हम ईज़िली वेन को प्रोमिनेंट कर देते हैं, वेन को प्रोमिनेंट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वेन सी, मतलब हम देख सकते हैं वेन को, अपनी आँखों से देख लेते हैं, हाँ, और उसे फील भी कर सकते हैं कि हाँ यहाँ वेन है, और हम ईज़िली क्या हो कलेक्शन कर सकते हैं। टॉर्निकेट के बाद आता है हमारा डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्टेंट क्या है हमारा, जो हम कलेक्शन करने से पहले यूज़ करते हैं। इट मीन्स टर्निकोट अप्लाई करने के बाद एंड कलेक्शन करने से पहले। तो ये कौन कौन से हमारे डिसइंफेक्टेंट है, इट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द स्किन बिफोर द पंचर इज मेड। मिथाइलेटेड स्प्रिट ऑफ 70% अल्कोहल इज पुट इन अ कॉटन स्वैब विच इज रब्ड ऑन द स्किन। मेक श्योर दैट द स्किन इज ड्राई बिफोर पंचर इज मेड। अब क्या है, हमारे पास स्वैब होती है, हमारे पास अगर स्प्रिट है तो हम कॉटन में थोड़ी सी स्प्रिट लेकर हम उससे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास अब स्वैब आती हैं, आप देख सकते हो ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्वैब्स होते हैं। इसमें 70% अल्कोहल होता है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ इसे, ये स्वैब ऐसे खोलते हैं, आप देख सकते हो इसमें स्वैब है, इसमें अल्कोहल होता है, इससे हम डिसइंफेक्ट करते हैं यहाँ ऐसे अंडर टू आउटर, अंडर टू आउटर डिसइंफेक्ट करते हैं राउंड राउंड ओनली वन टाइम, फिर इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, डिसइंफेक्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे टेस्टिंग में जब हम टेस्टिंग करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या होगा, नॉर्मल वैल्यूज़ अपर हो सकती है, अपर वैल्यूज़ नॉर्मल हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता है, स्किन को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे तभी क्या होगा, हमारा रिज़ल्ट ठीक आएगा।
अब आता है हमारा एंटी कोएगुलेंट। हमारा एंटी कोएगुलेंट क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट और ब्लड कलेक्टिंग कंटेनर, दैट इज द सेम। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, जो ब्लड कलेक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं कंटेनर्स वगैरह, आपने देखा होगा ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। पेशेंट पूछते हैं कि हाँ आप डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में क्यों ब्लड कलेक्शन करते हैं? ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये ग्रे है, ये लेवेंडर है, ये रेड है और ये ब्लू है। तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अलग अलग एंटी कोएगुलेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे हमारा ब्लू टॉप क्या है? हमारा सोडियम साइट्रेट। आप देख सकते हो इस पे सोडियम साइट्रेट मेंशन है, सोडियम साइट्रेट ट्यूब, जिसमें PTINR और APTT ये करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। अब आता है हमारा ग्रे टॉप क्या है? हमारा सोडियम फ्लोराइड, हाँ ये देखो, फ्लोराइड ट्यूब, यानी सोडियम फ्लोराइड ट्यूब है ये। इसमें फास्टिंग PP जो हमारे शुगर के टेस्टिंग है वो उसके लिए यूज़ होते हैं। अभी हमारा था EDTA, थायलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। ये क्या करता है? ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता और इसमें से हमेशा प्लाज्मा सेपरेट होता है, ठीक है। अब आता है हमारा रेड टॉप में कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है? हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट होता है और हम इसमें से सीरम सेपरेट करते हैं। ये क्लॉट एक्टिवेटर होता है, इसमें क्लॉट हो जाता है, इसमें सीरम सेपरेट करते हैं। और जो भी टेस्टिंग है, KFT, LFT, SGOT, SGPT, हमारा जितनी भी टेस्टिंग है, CRP, ऑलमोस्ट जितने भी सीरम से टेस्टिंग होती है वो सारी इससे होती है। ओके, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स देख लिए। अब आता है हमारा एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। मोस्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट्स रिमूव कैल्शियम, विच इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स रिक्वायर इन कोएगुलेशन प्रोसेस। हाउएवर, हेपरिन इंटरफेयर इन द कोएगुलेशन प्रोसेस बाय डिस्ट्रॉइंग थ्रोम्बो एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, द इंटरमीडिएट ऑफ द कोएगुलेशन प्रोसेस। EDTA क्या है? थायलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। मैंने आपको बताया जो लेवेंडर कलर की टॉप है ये हमारा EDTA वैक्यूटेनर होता है। इस ये EDTA के फुल फॉर्म क्या है? इथालिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। एंटीकोगुलेंट ब्लड इज़ यूज्ड इन हेमेटोलॉजी। साइट्रेटेड ब्लड इज़ यूज्ड इन ब्लड बैंक एंड फॉर कोएगुलेशन स्टडीज। यूज्ड ऑफ हेपरिन एंड क्लोराइड इज लिमिटेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड गैसेज एंड ब्लड ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली। तो जो एंटीकोगुलेंट्स है ये हमारे बहुत हेल्पफुल हैं। ये क्या करते हैं? क्लॉट एक्टिवेटर की तरह वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं? कैल्शियम को रिमूव करते हैं और ये थ्रोम्बिन टू थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होते हैं और कोएगुलेशन प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होता है? एंटीकोगुलेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारा फैक्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंटीकोगुलेंट के लिए। फिब्रिन टू फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है। अब आता है हमारा ब्लड कलेक्शन कंटेनर। ब्लड कलेक्शन कंटेनर कौन कौन से यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया है ब्लड कलेक्शन कंटेनर के लिए 4 ट्यूब्स हैं। और भी ट्यूब्स होती हैं, ब्लैक कलर की ट्यूब्स होती हैं और येलो कलर की होते हैं। येलो भी सीरम सेपरेटर, बेस्ट सीरम सेपरेटर ट्यूब है वो जो यूज़ करते हैं। द कंटेनर्स फॉर ब्लड कलेक्शन आर प्रिपेयर्ड बिफोर कलेक्टिंग द ब्लड। दिस कंटेनर मस्ट बी थ्रूली क्लीन विद अ डिटर्जेंट। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट इज एडेड ऑन द ड्राइड इन साइड द कंटेनर। जो ये कंटेनर्स होते हैं इनमें स्पेसिफिक अमाउंट इसके अंदर डाला जाता है जो इसके अंदर ड्राई फॉर्म में प्रजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? इनकी एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी तक ये एंटीकोगुलेंट्स में वर्क करते हैं। ये देखिए, ये एक्सपायर हो चुका है वैसे तो ये यूज़ नहीं करेंगे। दिस कंटेनर्स मस्ट बी थ्रोली क्लीन विद द डिटर्जेंट। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट्स इज एडेड एंड ड्राइड इन साइड द कंटेनर्स। बाय दिस द एरर ऑफ डायल्यूशन इज मिनिमाइज्ड। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस साइट्रेटेड इज विच इज़ यूज्ड एज अ सॉल्यूशन
All previously prepared containers can be stored out room temperature expected, except the ones with the citrate as an anticoagulant. The latter is stored in the refrigerator for easy identifications. The containers are labeled with different colors. Example of the anticoagulants: sodium citrate, EDTA double oxalate, sodium fluoride, heparin, etc. ये सारे हमारे ब्लड कलेक्टिंग कंटेनर्स हैं. इन्हें हम बेसिकली रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख देते हैं. जब भी हमें कलेक्शन करने की ज़रूरत होती है तब हम इन कंटेनर्स को निकालते हैं और हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम टेस्टिंग का प्रोसेस करते हैं. हम इन ट्यूब्स को लेवेंडर टॉप को हम तभी सेंट्रीफ्यूज करते हैं जब हमें प्लाज्मा की ज़रूरत होती है. जैसे अमोनिया टेस्टिंग के लिए हमें प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, EDTA को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं एंड देन अमोनिया टेस्ट प्रोसेस करते हैं. सीरम सेपरेटर के लिए हमें एंटीकोगुलेंट ब्लड की वो क्या बोलते हैं सॉरी हमें क्लॉटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं होती. क्लॉटेड ब्लड क्या होता है, सेपरेट करके हम उसमें सीरम निकाल के बाकी टेस्टिंग करते हैं, इसलिए इसे सेंट्रीफ्यूज करना बहुत ज़रूरी है. ये ट्यूब तो सेंट्रीफ्यूज होती है. बाकी हमारा फ्लोराइड है, फ्लोराइड के लिए भी हमें सेपरेटिंग करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हम फास्टिंग और पीपी के लिए ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको सेपरेट करके यूज़ करते हैं. बाकी सोडियम साइट्रेट के लिए भी प्लाज्मा यूज़ करते हैं, हम उसे सेपरेट करके ही यूज़ करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये हमारा था आज ब्लड कलेक्शन का टॉपिक. सो ब्लड कलेक्शन का हमने सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ा है, इसमें सिर्फ हमने पढ़ा है इक्विपमेंट्स फॉर ब्लड कलेक्शन. कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम ब्लड कलेक्शन में यूज़ करते हैं, सिर्फ आज हमने वही पढ़ा है इस पार्ट में. नेक्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ेंगे, मैथड ऑफ ब्लड कलेक्शन, कौन कौन से ब्लड कलेक्शन के मैथड्स हैं. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि कौन कौन से मेथड से हम ब्लड कलेक्शन करते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर पूछें कि इसमें से आपको क्या समझ नहीं आया और आपके क्या जो जो डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. इसे शेयर करें और प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.